हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोबिटी सागर में। और इस वक्त मैं हूँ होराब जंगल में, तो वेलकम टू द होराब जंगल। और ये कहाँ पे पड़ता है, क्या पड़ता है, आपको सारा कुछ मिलेगा देखने के लिए। वीडियो के आगे बने रहो और सब कुछ देखने को मिलेगा। तब तक ये छोटा सा व्यू करना जा रहा है, लुत्फ उठा लो उसके, आप फील वीडियो देखना मजे। हेलो गुड आफ्टरनून, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोबिटी सागर में। तो भैया क्या है ना कि आज रांची में है इलेक्शन, और इलेक्शन के वजह से हम लोग का ऑफिस बंद है। तो सोचा मैं आपके लिए आज कुछ किया जाए। मैं जब भी बोकारो से आता था रांची ना, तो मैं ये जगह देख के ना हमेशा सोचता था कि कब आऊँगा। फाइनली मैं आज आ गया हूँ। तो ये जगह मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे है। ये जगह एक्चुअली इस जगह का नाम है होराब जंगल, ठीक है। होराब जंगल जो कि आपको टाटे सिल्वे के पास पड़ता है, ठीक है। और अभी हम लोग हैं होराब जंगल के ही रास्ते में, जो कि आपका व्यू कुछ इस प्रकार है। एक नंबर व्यू है, जो कि दिल खुश करने वाली व्यू है। जंगल के अंदर जाते जा रहे, देख लो अभी यही मिला, ठीक है। ये पुल है, ये ब्रिज है। अगर यहाँ पानी आता तो एक नंबर सीन होता, ठीक है। पर अभी सब जगह का पानी सूख गया है, और हम लोग अभी जंगल करीब 4 किलोमीटर तक अंदर चले गए, अभी भी नहीं पहुँचे जहाँ जाना हम लोग को। मतलब जंगल में ही है, पर एक यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे सब पार्टी वार्टी करते हैं, तो मेरे को वहाँ जाना, वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। यहाँ से जो जंगल का व्यू है ना, यहाँ से स्टार्ट है। ये पीछे में एक जंगल, क्या बोलते हैं, गांव था। तो गांव में इलेक्शन चल रहा था, जिसको पूरा मतलब वहाँ पे वोटिंग रखी हुई थी, बाकी पुलिस वुलिस सब कुछ थे। तो अभी यहाँ से जंगल का व्यू स्टार्ट होने, तो जंगल का व्यू का आनंद लेते हैं। अभी मैं थोड़ा यहाँ रुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा किया हूँ। बाकी जंगल देख सकते हो, पूरा का पूरा जंगल ही है, पर मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ कुछ अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है, इसलिए। देख रहे हो भाई, पूरा ना मस्त नज़ारे हैं। मैं यहाँ ना बहुत पहले आने के लिए सोच रहा था, बहुत पहले जब मैं डीजे लिया था ना, तभी मैं सोचा था कि इधर के भी आऊँगा, एक बार वीडियो बनाऊँगा। वैसे इधर साइड ही है आपका गंगा घाट पड़ता है, तो मैं जब भी ट्रेन से पार होता हूँ तो गंगा घाट का वीडियो जरूर बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही मस्त आता है। तो अभी दिखाता हूँ कुछ यहाँ का व्यू। अभी 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 मेरे आगे जो 3 बाइक वाले बंदे लोग आ रहे थे ना, सब इधर गए हैं। इधर ही गए हैं वो लोग। तो भैया ये रहा आज का व्यू होराब जंगल। अभी और भी आगे व्यू है, बताता हूँ मेरे यहाँ पे होराब जंगल क्यों आया था, ठीक है। यहाँ का व्यू कुछ है जो कि अट्रैक्शन व्यू है, ठीक है, मैं आप बताता हूँ। सबसे पहले अट्रैक्शन तो आपका क्या बोलते हैं, मेरा गाड़ी है ना भाई, हाँ गाड़ी है, या गाड़ी पूरा साइड में लगाया हो। तो पहला व्यू है कि यहाँ पे पूरा जंगल का व्यू मिलेगा, ठीक है। दूसरा टोपी वाटरफॉल, जो लड़के लोग गए वहाँ नीचे में टोपी वाटरफॉल है, तो उसको भी मैं चेक करूँगा मैं कि वो कैसा वाटरफॉल है, क्या है। उम्मीद है कि पानी तो नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत तो जो भी होगा। और फिर और दिखाता हूँ मैं और क्या है, और है आपका बेलो पॉइंट, होराब जंगल व्यू पॉइंट, और छोटा नागपुर प्लेट। जब निकला था रूम से ला, तो उतना ज़्यादा धूप नहीं था, और अभी तो इतना कड़क धूप कर दिया, ये धूप भयानक कर दिया, और अभी हालत भी ख़राब होने वाली है। मैं ना वो वाटरफॉल अभी स्किप किया हूँ, अभी हम लोग मेन बात है रिटर्न इसी से रास्ता से होऊंगा, तो अभी जाते वक्त ही वाटरफॉल देख लूँगा। वैसे पानी का आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर मेरे को हंस वंस सब दिख रहा है। अब वैसे इस जगह पर एक पॉइंट भी है, जहाँ पर वो पॉइंट है, क्या नाम है, लोमड़ी को बोलते ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ ही बोलते हैं, लोमड़ी का व्यू पॉइंट भी है, वहाँ पे लोमड़ी भी दिखता है। तो अभी देखेंगे, बस जिंदा बच जाए यहाँ से, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी चलते हैं, इसके आगे जाना होगा, उसके बाद हम लोग का जंगल का जो व्यू पॉइंट होता है उस जगह पहुँचेंगे, उस जगह पर हम लोग को व्यू पॉइंट मिलेगा, फिर उसके बाद फिर तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बेलो पॉइंट, जो कि अट्रैक्शन नंबर 2 है। पहला तो टोपी वाटरफॉल था, दूसरा ये बेलो पॉइंट है। बेलो पॉइंट का व्यू कुछ ऐसा है, रोड आपका उस जगह पे है, उस जगह से तो अंदर आना पड़ता है। मैंने ना इसका जब मैंने गूगल में मैप में मैंने इसे खोला था ना, तो मेरे को ये व्यू दिखाया था, इस जगह पे थार भी खड़ी थी किसी का। तो यहाँ पे तो सबसे मस्त बात, ये सब आपको सब जगह मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो मैं जो देख रहा हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, पर दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इतना भयानक नज़ारा है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलो मैं आपको नज़ारे के दर्शन करवाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद बताना पैसा वसूल या नहीं पैसा वसूल।
तो नज़ारे का भ्रमण कीजिए मेरे साथ आप लोग भी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी एक व्यू देखा, देखो देखो, शायद देख पाओगे नहीं, देखो पता नहीं, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में देखा। देखो यहाँ से ट्रेन पास हो रही है, शायद वीडियो में आ नहीं रही पर भाई सच्ची में ट्रेन पास हो रही है। अब समझ में आए, वो जो व्यू दिखता था मेरे को वहीं से ट्रेन से दिखता था। कसम से यार मज़ेदार व्यू है, काश सामने जा पाता। एक नंबर नज़ारे भाई, मज़े आ गए, देख रहे हो नज़ारे एक नंबर है। अभी पीछे से ट्रेन भी पास हुई है, ठीक है, जो कि शायद इसमें कैप्चर हुई कि नहीं पता नहीं, धूप के कारण कैप्चर नहीं हुई, तो पक्का कैप्चर हो जाती है। तो अभी हम लोग इस जगह ट्रक को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। और इस जगह पे भी कोई रास्ता था, अच्छा सेम ही रास्ता, सॉरी हमको लगा कोई और रास्ता। तो अभी हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय करने वाले हैं और फिर चलेंगे हम लोग आगे। और आगे एक और पॉइंट है जो कि हुराब जंगल व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न होंगे। रिटर्न में जाएंगे, एक बार फिर से वहाँ से दो मिनट की, एक मिनट का मैंने ड्राइविंग किया, उसके बाद मैं पहुँच गया हूँ हुराब जंगल व्यू पॉइंट। जो कि व्यू तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो इसका जो मेन व्यू है ना वो पीछे है, ठीक है, पर मैं यहाँ पे भी चेक कर ले रहा हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। बस मेरे को यहाँ पे यार कोई एक वाटरफॉल मिला तो मज़ा आ जाता। इस जगह पूरा पार्टी साटी हुई है भाई, देख रहे हो। तो अभी हम चलते हैं मेन व्यू पे, जो कि मेरा व्यू पॉइंट है एग्जैक्टली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले क्या देखोगे जानते हो? मत देखो कुछ भी, ये देखो, ये बनाया गया व्यू देखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसी पे चढ़ते हैं और देखते हैं व्यू। इस पे चढ़ के पहला व्यू देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग इधर से व्यू, जो कि आप भी देख ही सकते हो। तो चलते हैं इस पे और देखते हैं व्यू कैसा है, क्या आ रहा है, कैसा है। इस जगह पूरा दारू वारू चले भाई, पूरा पार्टी चली है यहाँ पे, मज़े आ गए हैं सबके, देख रहे हो, पूरा दारू चली है। शीशा उसा पीते तो सही हो, पर फोड़ते जो गिलास है ना बहुत ख़राब है। ओ माय गॉड, टूरू लाभ देखोगे, मैं धूप बहुत ज्यादा यार, सोचा था रुकूंगा पर बहुत धूप ना हालत खराब कर दे रही, धूप बहुत टाइट धूप है। अरे देखो धूप का नाम लिया, धूप शांत हो गया, क्या बोलूँ, इतना क्या बदमाशी कर रहा ना धूप। चलो कोई बात नहीं, हमने अपना देख उख लिया है, अपना वीडियो जो भी बनाना था बना लिया है, फोटो भैया जितना हो सके। मैं तो बहुत पछता रहा यार, मैं हमेशा सोचता हूँ लाऊंगा, हमेशा छूटता है मेरा, और हमेशा मैं अपने आप पे अफसोस करता हूँ क्यों नहीं लाया मैं। क्या ना मसाफे सेल्फी स्टिक रहा था मज़ेदार, 1.5 मीटर लंबा सब 360 घुमाता पूरा बम बम बोले, कोई बात नहीं, अफसोस होता है क्या बोलूँ। अब जहाँ भी जाऊँगा लेके चलूँगा, अब गलती नहीं करना भाई, अब गलती बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। तो ठीक है, अब निकलता हूँ यहाँ से, एक बार आगे जाकर देख लेता हूँ आगे में क्या, आगे कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो भी वापस हम लोग इसी रास्ता पकड़ के सीधा निकल जाएंगे आप लोग आगे। तो बस चलते हैं, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अभी जा रहे एक और व्यू पॉइंट है आगे में, अभी उससे भी देख लूँगा, उसके बाद से वापस जाऊँगा। वापस में जो आपको टोपी वाटरफॉल था, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि मेरे को पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, नहीं पत्ते का आवाज़ है। तो अभी यहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, उसको देख लेता हूँ और उसके बाद सीधा हम लोग निकलेंगे पीछे में टोपी वाटरफॉल, वहाँ देख लूँगा, पानी वानी हुए तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं हुए तो फिर चलेंगे फिर वापस रूम। तो अबे ये क्या है, भाई व्यू तो फाड़ फाड़ के यहाँ पे व्यू है यार, देखो भाई देखने में तो लग रहा है यहाँ पे व्यू है। अब देखता हूँ यहाँ व्यू है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल पे देखा है यहाँ पे कुछ व्यू नहीं है, पर जंगल है तो जंगल देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो अब हम लोग का जो दो व्यू पॉइंट था, ये तो व्यू नहीं था, बस थोड़ा सा जंगल था, बाकी और भी है, अगर पैदल आगे तो जा सकते तो और भी व्यू मिलेगा देखने के लिए, पर गाड़ी छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। तो अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं, जानते हो क्या करने वाला हूँ मैं, बस यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। और अभी ऐसे एक टोपी वाटरफॉल बचा, वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा मुँह का धोऊँगा पानी वानी मिल गया तो, नहीं तो फिर निकलूँगा हम लोग सीधा, ठीक है। तो बस यहीं,
तो हम लोग आ गए हैं जो आपका टोपी वाटरफॉल था उसका व्यू पे। यहाँ पे हम लोग गाड़ी वाड़ी खड़ा कर दिया, यहाँ से हम लोग रास्ता था, मैं भी आगे चला गया, भूल गया था। तो इसका रास्ता कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे उतरते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या नज़ारे, बस बिना गिरे उतर जाए। क्योंकि एक बार घाघरी धाम वाटरफॉल जा रहा था, फिसल गया था, और सेम जूता था मेरा, तो होप है कि नहीं फिसलूंगा। तो चलते अब। अभी जब मैं यहाँ से पास हो रहा था ना, तो वो तीन बंदे यहीं पे थे, और अभी मैं आया तो देखा गाड़ी नहीं था, तो मेरे को लगा गाड़ी होगा यहाँ पे, तो हम उसी को चल रहे थे हिसाब से, रुकूंगा पर गाड़ी मिला नहीं। अरे भाई ये देखो, अब नीचे उतरना हमको, देख रहे हो उधर जाना है, तो उधर जाने के सबसे बेस्ट ऑप्शन हम इधर जाए, क्योंकि बिना फिसले उसले पहुँचना है तो इधर से, ये भी रास्ता है, ये भी पार कर सकते हम लोग, बस बिना गिरे पहुँचना भैया। राम क्यों अकेले आया हूँ, दो अकेले भी नहीं हूँ। रास्ता तो है मज़ेदार, खचखच रास्ता, देख रहे हो, देख रहा है भाई, अगर यहाँ पे पानी आता कितना मस्त लगता, देख रहे हो यहाँ से पानी आता फटाक से इधर जाता पानी, कोई बात नहीं है, गर्मी में सब कुछ सूख रहा था, यहाँ पे ये भी सूख गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पानी तो नहीं दिख रहा है शायद, पानी तो नहीं दिख रहा भाई, हम लोग तो आ गए हैं नीचे पूरा, यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, बताओ ये देखो, क्या लगता है मिलेगा पानी? मिल गया तो भाई मुँह कान धोने का काम आ जाएगा कम से कम, हम लोग तो बहुत नीचे आ गए हैं, मिला तो नहीं है पानी अभी तक, देखते हैं और आगे कितना जाना पड़ेगा। अरे यार सब सूख गया भाई, ये देख लो सब सूख गया है, चलो इधर से देखते हैं यार, डर भी लगता है ना भाई ऐसा ऐसा जगह पे आने, उधर जाना पड़ेगा देखने के लिए, तो हमको उधर जाना पड़ेगा, देखो ना पानी तो है नहीं, क्या करें आगे जाएं या छोड़ दें, पानी तो है नहीं, पानी सूख गया सब, इधर भी देख सकते हो पूरा पानी सूख गया, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पानी तो सूख गया, तो अब मेरे को जाकर पानी पीना पड़ेगा। मैं सोचा था यहाँ पानी मिलता तो मैं मौका धो लेता, तो पानी तो नहीं तो मिला नहीं है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और क्या, बस यहीं पे ख़त्म हो लगा सब काम धाम, अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग, न्यू अति एक्साइटमेंट न्यू वाइब के साथ। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो चैनल है ना नोमेडिक सागर, इसको थोड़ा सपोर्ट बना दो, ताकि दिल बाग बाग हो जाए, और दिल बाग बाग हो गया तो मैं भी आपको बाग बाग कर दूंगा। तो चलते अब यहाँ से ख़त्म करते हैं ट्रिप को, और मिलते हैं अब आप लोग से हम कल, धन्यवाद शुक्रिया आदाब सत श्री अकाल।